हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सेशन। माय नेम इज़ पीयूष एंड आज हम PQRS क्वेश्चंस को करने वाले हैं। हर एग्जाम में PQRS के क्वेश्चन ज़रूर देखने के लिए मिलते हैं। सो किरण की सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें PQRS वाले सारे क्वेश्चंस को हम बढ़िया तरीके से करेंगे, ठीक है। तो आपको डेली लाइफ जुड़ना है इसी टाइम पे ताकि इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आपको ना आए और सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट यानी कि PQRS हमेशा से स्टूडेंट्स का एक प्रॉब्लम वाला सेशन रहा है। बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे इसलिए सेशन को हमने आज से स्टार्ट किया है। तो इस सेशन को भी देखिए और आगे के सारे सेशंस को ज़रूर देखिए ताकि कोई भी चीज़ आपके माइंड से बिल्कुल स्लिप ना हो पाए, ठीक है। तो आइए सीरीज़ को शुरू करते हैं। लाइव जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो सारे लोग भी इस सेशन को बढ़िया तरीके से समझ पाएँ, ठीक है। एक आपसे बात कहना चाहता हूँ, आप क्वेश्चंस को साथ साथ में करते चलिएगा। इससे एक बेनिफिट ये निकलेगा कि आपको चीज़ें थोड़ी और अच्छी तरीके से समझ में आती रहेंगी, ठीक है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले PQRS के क्वेश्चंस को करने के बेसिक रूल्स क्या होते हैं, जिसके बाद में आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो चीज़ें ईजी लगती हैं, राइट। सो देखते हैं स्लाइड पे इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। अभी देखिए मैंने इसको पॉइंट्स में समझाया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट कहता है नाउन और सब्जेक्ट, यानी कि अगर आपके सामने कोई भी पैरा जंबल या फिर PQRS वाला क्वेश्चन आता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ढूंढनी है वो होनी चाहिए नाउन, यानी कि नाउन या फिर कोई सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट किसी का नाम हो सकता है, वो नेम हो सकता है, किसी भी इंसान का नाम हो सकता है, किसी पेड़ का नाम हो सकता है, या फिर ऐसी चीज़ का नाम हो सकता है जो एग्जिस्ट ही ना करे। यानी कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे बात की है ऑनेस्टी ऐसी चीज़ है जो आप देख नहीं सकते हो, सिर्फ आप समझ सकते हो, आप फील कर सकते हो, पर ये एग्जिस्ट नहीं करती है। तो कई बार सब्जेक्ट आपको इस तरह का भी देखने के लिए मिल सकता है, इसलिए यहाँ पे नाउन सिर्फ ना लिख के मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट भी मेंशन किया है। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है प्रोनाउन का। आपको पता है जब भी हम कोई नाउन लिखते हैं उसको वापस दोबारा नहीं लिखते हैं, उसके लिए हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। तो जब भी आपको कोई सब्जेक्ट मिल जाएगा उसकी अगली लाइन जो भी होने वाली होगी वो यूजुअली प्रोनाउन वाली लाइन वो होती है। अब प्रोनाउंस ही, शी, इट, दे, वन, ऐसे कोई भी प्रोनाउंस यूज़ हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि कौन सा सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। अभी हमने जितनी चीज़ें यहाँ पे समझी हैं इन सब से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। किरण के क्वेश्चंस हम करना जा रहे हैं, फर्स्ट से लेके पूरा एंड तक हम क्वेश्चंस को करेंगे। सो स्लाइड को बीच में छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं, कनेक्टर्स लिखा हुआ है यहाँ पे। कनेक्टर्स आप जानते हैं जैसे बट यूज़ होता है, बट जब भी आएगा तो बट के लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले सेंटेंसेस हमेशा कॉन्ट्रास्ट में यानी कि ऑपोजिट होते हैं। इसके अलावा नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज़ होता है, टुगेदर विद यूज़ होता है, इन अकॉर्डेंस विद यूज़ होता है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं जिनको हम कनेक्टर्स बोलते हैं। उसके बाद में प्रपोजिशंस आते हैं। प्रपोजिशंस में मान लीजिए एक सेंटेंस है वो इंस्पाइट पे ख़त्म हो रहा है, दूसरा सेंटेंस ऑफ से शुरू हो रहा है, तो नो डाउट दोनों सेंटेंसेस एकदम अगल बगल आ जाएंगे, ठीक है। एक प्रिवेंट से ख़त्म हो रहा है, दूसरा फ्रॉम से शुरू हो रहा है, तो आपको प्रिवेंट के साथ में फ्रॉम वाला सेंटेंस कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से प्रपोजिशंस हमको PQRS वाले क्वेश्चंस में हेल्प करते हैं। ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको ज़रूर नोट कर लें दिमाग में। फिर से बता देता हूँ, पहला नाउन वाला था, दूसरा प्रोनाउन का, तीसरा कनेक्टर्स का, चौथा प्रपोजिशंस का। उसके बाद में हम आते हैं अपने मेन टास्क पे। तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें समझने के बाद हमारा कॉन्सेप्ट जो अप्लाई होना चाहिए उसके बाद में क्या स्टेप्स होने चाहिए, हम क्या करेंगे, फाइंड आउट एनी पेयर टू बिगिन। हम क्या करेंगे, चाहे PQ का, चाहे RS का, या फिर PR का, या फिर SR का, कोई भी एक पेयर बना लेंगे जिससे हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत कर सकें। और हम ट्राई करते हैं कि शुरुआत वाला एक वर्ड हम ढूंढ लें जिसकी मदद से हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएँ। यही कहता है हमारा लास्ट ऑप्शन, लास्ट पॉइंट कहता है ट्राई टू एलिमिनेट इरेलीवेंट ऑप्शंस। यानी कि जैसे मान लीजिए आपको पता चल चुका है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है पॉइंट S से, तो ऐसे जो भी ऑप्शंस हैं जिनमें S से शुरुआत नहीं हो रही है, मान लीजिए A, B, C एंड D चार पॉइंट्स दिए हैं जिसमें से B और D में S से शुरुआत नहीं हो रही, तो आप B और D को एलिमिनेट कर देंगे, आपके आंसर्स A या फिर C में से ही आ पाएंगे। आई होप आप ये बात समझ चुके होंगे। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए अपने पास में और इनको हमेशा दिमाग में रखिए क्वेश्चन करते टाइम,
ठीक है, चलिए आगे स्लाइड पे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमें करने हैं। सेशन की शुरुआत है तो बेसिक चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी था। अब मैं ये चीज़ें रोज़ रिपीट नहीं करूँगा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताता रहूँगा, बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट डेली की क्लास में सेम ही चलने वाला है, तो उसको आप ज़रूर दिमाग में रख के चलें। आइए देखते हैं क्वेश्चंस कौन से आते हैं हमारे सामने। पहले क्वेश्चन की स्लाइड पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है द ट्रैवलर सेड कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन। इन यानी कि सराय होता है, ऐसी जगह जहाँ पे आप जाके रुक सकते हो, होटल भी इसको जनरल भाषा में कह सकते हैं। इसके बाद में पी क्यू आर एस आपके सामने पॉइंट्स दिए हैं। डू यू वॉन्ट वन इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट। क्यू कह रहा है येस, सेड द पीजेंट। आर कह रहा है गो राइट डाउन द रोड एंड टर्न टू द लेफ्ट। एस कह रहा है येस, रिप्लाइड द ट्रैवलर। सिक्स कह रहा है थैंक्स अ लॉट। अब देखिए इसमें वन और सिक्स तो फिक्स है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी आपको पी क्यू आर एस में दिमाग लगाना है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, कंडीशन समझिएगा, ट्रैवलर कहता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पास वाले होटल का रास्ता कहाँ से है, या पास वाला सराय के लिए मैं कहाँ से जाऊँ। अब देखिए जनरल बात यह है कि जब ट्रैवलर पूछ रहा है तो आंसर कौन करेगा, ध्यान से समझिए, ट्रैवलर पूछ रहा है तो आंसर करेगा पीजेंट यानी कि किसान। तो अब लॉजिकली क्या होना चाहिए, क्यू वाला पॉइंट आना चाहिए साथ में। तो इस हिसाब से देखिए ऐसा कोई भी पॉइंट जिसमें क्यू से स्टार्टिंग नहीं हो रही उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन वन एंड ऑप्शन थ्री यहाँ से हो जाएंगे एलिमिनेट। आंसर किन पॉइंट्स में से आ सकता है, सिर्फ टू में से या फोर में से। मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, इसी तरीके से अगर आप एग्जाम में करेंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बहुत अच्छी तरीके से आने वाले हैं। अब देखिए ट्रैवलर ने पूछा, किसान ने आंसर कर दिया, अब फिर क्या होगा, अब फिर से ट्रैवलर, अब किसान ने आंसर कर दिया, ठीक है, सॉरी ट्रैवलर ने पूछा, उसके बाद में किसान ने आंसर कर दिया, यानी कि क्यू वाले से हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या आएगा, फिर क्या हो सकता है, देखिए क्यू से शुरुआत तो हो चुकी है, अभी क्यू के बाद में दोनों पॉइंट्स देखते हैं। क्यू के बाद में एक तो आ रहा है पी और दूसरा आ रहा है एस, तो देखते हैं पी पॉइंट क्या हो रहा है। पी कह रहा है डू यू वॉन्ट वन इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट। एस कह रहा है येस, रिप्लाइड द ट्रैवलर। अब देखिए क्यू के जस्ट बाद में एस तो आएगा नहीं, क्योंकि किसान भी हाँ बोल रहा है, उसके बाद में ट्रैवलर ने भी हाँ बोला, ये दोनों चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। मतलब क्यू के साथ में एस नहीं आ सकता, यानी कि फोर्थ पॉइंट क्या हुआ, बाहर हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टू, यानी कि क्यू के बाद में क्या आएगा, पी आएगा। तो इस हिसाब से क्या निकलेगा, द ट्रैवलर सेड कैन यू टेल मी द वे टू नियरेस्ट इन। किसान बोलेगा हाँ मैं बता सकता हूँ। फिर किसान पूछेगा कि क्या आप ऐसा चाहते हैं जिसमें आप रात बिता सकें। फिर ट्रैवलर कहेगा हाँ ऐसा ही चाहता हूँ। उसके बाद में वो बताएगा कि गो राइट डाउन द रोड एंड टर्न टू द लेफ्ट। फिर किसान ने उसको रास्ता बता दिया, तो उसका सीक्वेंस हो जाएगा क्यू पी एस एंड आर। आई होप ये बात बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गई होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। जिस भी लर्नर का ये आंसर था बिल्कुल सही है, और अगर इसी तरह से चीज़ों को समझते चलेंगे तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जान के ही आप बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को कर पाएंगे और सारे नंबर्स अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है मनी इज़ नॉट द रूट ऑफ ऑल ईविल्स। जितने भी दुनिया में पाप हैं उन सबकी जड़ सिर्फ पैसा नहीं है, यानी कि ऐसे भी बहुत सारे पाप होते हैं, ऐसे भी बहुत सारे बुरे काम होते हैं जिनका बेसिक रीज़न पैसा कमाना नहीं है या पैसा नहीं है। अब इस चीज़ को क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो आगे इलैबोरेट कर सकता है, यानी कि आगे समझा सकता है, अगर उस चीज़ को आगे लेके जा रहा होगा तो हम उस पॉइंट को प्रेफर करेंगे। आइए चलते हैं, बात करते हैं, देखते हैं किस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। ऑप्शंस कह रहा है, देखिए एक ऑप्शन शुरू होता है क्यू से, एक ऑप्शन शुरू होता है आर से, एक होता है एस से और एक होता है क्यू से, यानी कि क्यू एस आर तीन ऑप्शन से हमारी शुरुआत हो सकती है, यानी कि पी शुरुआत में नहीं आने वाला है, पी शुरुआत नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखिएगा अगर हम क्यू से शुरुआत करते हैं तो देखिए क्यू से शुरुआत अगर हम करेंगे तो क्यू कहता है इवन पर्पजलेस क्रुएल्टी कैन बी सीन इन मैनी इंस्टेंसेज ऑफ इविल बिहेवियर। अब देखिए पर्पजलेस क्रुएल्टी मान सकते हैं ये हो जाए। आर कह रहा है फॉर एग्जाम्पल नीदर टीचर्स नॉर पेरेंट्स प्रॉफिट इन एनी वे बाय टॉर्चरिंग चिल्ड्रन। अब देखिए क्या आर वाला पॉइंट बिल्कुल इससे नहीं रिलेट हो रहा है, देखिएगा कह रहा है मनी हर पाप का कारण नहीं है। फिर आर उसी चीज़ का एग्जाम्पल दे रहा है कि जो बच्चे पेरेंट्स से और टीचर से डांट खाते हैं, ठीक है, या फिर टॉर्चर किए जाते हैं, उसमें पेरेंट्स का ना कोई फ़ायदा होता है ना
कोई टीचर का फ़ायदा होता है। तो ये एग्जाम्पल किस चीज़ का हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट नंबर वन का एग्जाम्पल, और इस लिहाजे से ये पॉइंट नंबर वन के साथ में बिल्कुल फिट तरीके से बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट इसने बोला कि जो पैसा है वो हर बुरी चीज़ का जड़ नहीं है, यानी कि हर जो बुरे काम होते हैं उसके पीछे पैसा रीज़न नहीं होता है। इस चीज़ का एग्जाम्पल किसने दिया, पॉइंट नंबर आर ने इसका एग्जाम्पल दिया। कैसे, वो कह रहा है कि जैसे मान लीजिए टीचर और पेरेंट्स बच्चों को टॉर्चर करते हैं पढ़ने के लिए कई बार, लेकिन उसके पीछे क्या होता है, पैसा रीज़न नहीं होता है। तो वन का एग्जाम्पल किसने दिया है, आर ने, इसलिए वन के साथ में क्या रिलेट हो जाएगा, आर। अब हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है, जिस भी ऑप्शन में आर शुरुआत में नहीं आ रहा है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। तो देखेंगे आर किस में नहीं आ रहा है, फर्स्ट में नहीं आ रहा, सेकंड में नहीं आ रहा, फोर्थ में नहीं आ रहा है, थर्ड में ही सिर्फ आर आ रहा है। यानी कि हमको आगे अगर टाइम वेस्ट ना करना हो तो हम बिना आगे कुछ और सोचे समझे थर्ड वाले पॉइंट को आंसर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये एक स्ट्रैटेजी होती है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को करने की। एग्जामिनर आपसे बिल्कुल भी ये नहीं बोलेगा कि आप मुझे एक्सप्लेन करो कि एग्जैक्टली क्यों ये आंसर आया है। एग्जामिनर को बस गिवन टाइम लॉट में क्वेश्चन कर ले बच्चा, सिर्फ उसका मोटो यही होता है। ठीक है, तो आप भी बेसिकली यही काम करेंगे, आप चीज़ों को रिलेट करते चलेंगे। जैसे ही कोई पेयर बनता दिखेगा आप उसको, जैसे ही शुरुआत का कोई पेयर बनता दिखेगा आप उससे ट्राई करेंगे कि जितने भी ऑप्शंस एलिमिनेट हो पा रहे हो उतना आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। यहाँ पे चीज़ें बहुत आसान हो गई सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने पहले पॉइंट से रिलेटेड एक पॉइंट ढूंढ लिया जो था पॉइंट आर। अब हमने क्या देखा कि पॉइंट आर से सिर्फ एक ही पॉइंट शुरू हो रहा है, एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, वो था ऑप्शन नंबर थ्री, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री। आई होप आप भी साथ साथ में करते चल रहे होंगे और चीज़ें आपको समझ में आती चल रही होंगी। बाकी पॉइंट्स भी पढ़ लीजिएगा। देखिए अगर हम क्यू से शुरुआत करते तो कह रहा था इवन पर्पसलेस क्रुएल्टी कैन बी सीन इन मैनी इंस्टेंसेस ऑफ इविल बिहेवियर, ये बात भी कही जा सकती थी, पर आर वाला फिर पॉइंट क्या हो जाता, इररिलेवेंट हो जाता। क्यों, क्योंकि आर वाला जो पॉइंट है ये एग्जाम्पल है किस चीज़ का, बात जो कही है पॉइंट ए में इस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो किसी भी एग्जाम्पल को हम कहीं पे भी नहीं रख सकते हैं, सिर्फ जो बात का एग्जाम्पल है हमेशा उसी बात के साथ में रखा जाता है। इस लिहाजे से आर वाला पॉइंट कहीं और फिट नहीं बैठ सकता, सिर्फ फर्स्ट के साथ ही फिट बैठ सकता है। क्लियर है बात, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है इवन द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट ऑफ द लिविंग वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो सबसे छोटा जानवर होता है पूरे जितने भी लोग जिंदा हैं, जितनी भी चीज़ें जीवित हैं, उन सब में जो सबसे छोटा जानवर होता है वो भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स से बना हुआ होता है। ठीक है, कोशिकाओं से बना हुआ होता है। अब देखिएगा यहाँ पे पॉइंट्स क्या कह रहे हैं, दीज स्मॉल क्रिएचर्स वाइडली डिफर इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अभी हमने क्रिएचर्स की तो बात ही नहीं की है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है स्मॉलेस्ट इंसेक्ट, यानी कि कितना, एक की बात यहाँ पे जनरली हो रही है। तो यहाँ पे क्रिएचर्स वाला अगर हम पॉइंट लेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट बी प्लूरल सेंस में बोला गया है और वन है सिंगुलर सेंस में, तो पी से शुरुआत नहीं हो पाएगी। ठीक है, और ऑप्शंस में भी किसी में भी पी से शुरुआत नहीं की गई है। बहुत बढ़िया है, अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। क्यों देखते हैं, क्यों कह रहा है एन आंट और अ ग्नैट। यहाँ पे ग्नैट क्या होता है, ग्नैट एक छोटी सी मक्खी की तरह होता है। आपने देखा होगा घरों में बहुत छोटी छोटी मक्खियाँ जैसे होते हैं कीड़े टाइप के, उनको हम नैट बोलते हैं। आंट आपको पता है चींटी, नैट फॉर एग्जांपल इज कंपोज ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेल्स। अब अगर लर्नर्स इस लाइन का मतलब समझ गए हैं तो उनको ये पता चल गया होगा कि ये पॉइंट फर्स्ट के लिए ही लिखा गया है। पॉइंट फर्स्ट कह रहा है जो सबसे छोटे छोटे जानवर हो सकते हैं वो भी बहुत सारे सेल्स से मिलके बनते हैं। क्यों में छोटे छोटे जो जानवर जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उन्हीं की बात की जा रही है। तो जनरली क्या होना चाहिए, पॉइंट क्यू से इस सीरीज़ की शुरुआत हो जाना चाहिए, पर फिर भी हम आर और एस को पढ़ लेते हैं। आर कह रहा है इवन अ माइट हैज़ सेल्स मेकिंग अप इट्स स्केलेटल स्ट्रक्चर। माइट कौन होता है, माइट होता है बहुत छोटा सा कोई कीड़ा, उसको हम माइट बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब ये वाला भी पॉइंट साथ में लिया जा सकता है, लेकिन दिक्कत है आर वाले पॉइंट में सिर्फ इतनी सी कि पहला पॉइंट भी इवन से शुरू हुआ है, ये भी पॉइंट इवन से शुरू हुआ है, तो दोनों इवन वाले पॉइंट्स अगर एक साथ में आएंगे तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत प्रॉपर नहीं बन पा रहा है। ठीक है, इसलिए अभी हम आर को छोड़ के चलते हैं।
ठीक है। और वैसे भी शुरुआत यहाँ पे आर से नहीं हुई है, तो ज़बरदस्ती का कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि देखिए एक बात ध्यान से, पी से शुरुआत आप नहीं कर सकते, आर से शुरुआत आप नहीं कर सकते, ये कैसे पता चला? ऑप्शंस में है ही नहीं, ठीक है। एस देखते हैं, एस कह रहा है इट ऑल्सो हैज़ सेल्स डेडिकेटेड टू डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि इसके पास सेल्स होती हैं जो क्या होती हैं, डाइजेस्टिव सेल्स भी होती हैं और रिप्रोडक्टिव फंक्शंस करने वाली सेल्स भी होती हैं। तो ये किसी जनरल बात के लिए तो बोला नहीं जाएगा कि छोटे से छोटे इंसेक्ट, ये जो इट ऑल्सो हैज़ सेल्स डेडिकेटेड टू डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शंस बोला गया है, ये किसी एक कीड़े मकौड़े के लिए बोला जा रहा होगा, ठीक है। वो कीड़ा स्पेसिफिकली बताया गया होगा, इसीलिए यहाँ पे इट यूज़ हुआ है। समझ में आ रही है बात? चलिए तो देखते हैं यहाँ पे किस तरह से बढ़िया तरीके से हो सकता है, यानी कि शुरुआत हमारी किन किन पॉइंट से हो सकती है, सिर्फ एस से और क्यू से, ठीक है। अगर हम एस से शुरुआत करते हैं तो एस कह रहा है इट ऑल्सो हैज़ सेल्स डेडिकेटेड टू डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। अब देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने भी स्मॉलेस्ट इंसेक्ट हों उन सबके पास में जो सेल्स हों वो डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को करते ही हों, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, मतलब इसमें श्योरिटी नहीं दी हुई है कहीं पे कि हम इन्हीं स्मॉल सारे स्मॉल इंसेक्ट्स के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इट आया हुआ है ये किसी एक पर्टिकुलर जानवर या फिर इंसेक्ट के लिए आएगा, और वो पर्टिकुलर इंसेक्ट कहाँ दिया है? माइट, कीड़ा, ठीक है। ये कीड़ा है इसलिए इसके साथ में इट वाला पॉइंट फिट बैठ जाएगा। यहाँ पे एन आंट और अ गनैट, ये कई सारे चीज़ें दिए हैं इसलिए इसके साथ में दीज वाला पॉइंट फिट बैठ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ अभी यहाँ पे बात हो रही थी, ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है जो सबसे छोटे छोटे जानवर हो सकते हैं वो भी बहुत सारी सेल्स से मिलके बने होते हैं। क्यों कह रहा है? जो एक चींटी होती है वो भी हज़ारों लाखों सेल्स से मिलके बनी होती है, ठीक है। तो पॉइंट वन ने जो बात कही है, जो बात कही थी उसका एग्जाम्पल कौन सा पॉइंट दे रहा है? क्यों? तो बात का एग्जाम्पल और जो एग्ज़ाम्पल होता है, कोई भी बात या फिर और कोई भी बात और उसका एग्जाम्पल हमेशा साथ में आना चाहिए। अभी हमने इस क्वेश्चन के पहले भी बात की थी, तो पॉइंट वन है बात और इसका एग्जाम्पल है पॉइंट क्यू। तो पॉइंट क्यू को हम कहाँ रखेंगे? पॉइंट नंबर वन के साथ में। तो देखिए शुरुआत कौन कर रहा है? पॉइंट क्यू वाला पॉइंट कर रहा है, ठीक है। शुरुआत हो सकती थी पॉइंट एस से भी, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही थी वो उसका एग्जाम्पल पॉइंट क्यू में है, इसलिए हमने क्या किया? पॉइंट क्यू को रख दिया वन के साथ में। अब देखिए वन और ऑप्शन थ्री यहाँ से कट चुके हैं, क्लियर हो गया बात। बचा कौन सा ऑप्शन? कौन से ऑप्शन बचते हैं? पॉइंट ऑप्शन टू और ऑप्शन फोर बचता है। अभी शुरुआत हो गई क्यू से। अब क्यू, ये कह रहा है क्यू के बाद में आर भी आ सकता है और पी भी आ सकता है, तो देखते हैं क्यू के बाद में आर आना चाहिए या पी आना चाहिए। देखिए क्यू तो हो गया शुरुआत, उसके बाद में अगर हम आर लगाते हैं तो ये कह रहा है इवन अ माइट हैज सेल्स मेकिंग अप इट्स स्केलेटल स्ट्रक्चर। यहाँ पे सिंगुलर की बात होने लग रही है, एक कीड़े की बात हो रही है। पी कह रहा है दीज स्मॉल क्रीचर्स वाइडली डिफर। अभी देखो दीज जो वर्ड यूज़ होगा हमेशा प्लूरल के लिए यूज़ होगा, और प्लूरल कहाँ पे बेटा दिया हुआ है? सिर्फ पॉइंट क्यू में ही दिया है, मतलब पी को कुछ भी हो जाए क्यू के साथ ही आना पड़ेगा। तो क्यू के साथ में पी जिसमें है वही आंसर हो सकता है। क्यू के साथ में पी किस में है बेटा? ऑप्शन नंबर फोर में है क्यू के साथ में पी। क्यू के साथ में पी है सिर्फ ऑप्शन नंबर फोर में, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर। साथ में करते चल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और नया क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है एडवोकेट्स ऑफ स्पेस प्रोग्राम आर्ग्यू फॉर स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन एक्सप्लोरिंग मार्स। आपको पता है मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ी थी, जो भी स्पेस शटल्स वगैरह लॉन्च हुए थे उसमें बहुत ह्यूज अमाउंट स्पेंड होता है, तो उसी रिगार्डिंग ये एक पैराग्राफ दिया है। कह रहा है एडवोकेट्स ऑफ स्पेस प्रोग्राम आर्ग्यू फॉर स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन एक्सप्लोरिंग मार्स। मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज़्यादा जो पैसा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा पैसा जो खर्च होता है, उस चीज़ पे आर्ग्यूमेंट्स की बात हुई है। एडवोकेट्स यानी कि ऐसे लोग जो उन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हों, उस कॉन्सेप्ट से एडवोकेट्स यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, पी क्यू आर एस आपके सामने दिया हुआ है। आइए पहले देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट से शुरुआत हो सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस कह रहा है एस से शुरू कर सकते हैं, पी से शुरू कर सकते हैं, क्यू से शुरू कर सकते हैं और एस से। यानी कि शुरुआत किस पॉइंट से नहीं हो सकती है? आर शुरुआत नहीं कर सकता है। सबसे पहले तो हम यही देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो
यहाँ पे पीक पॉइंट कह रहा है, बट देर इज नो फर्म एविडेंस ऑफ एनी वैल्यूएबल मिनरल दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मार्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू अर्थ। अब देखो पहला पॉइंट कह रहा है कि बहुत सारा पैसा वहाँ पे जो खर्च होता है वो बढ़िया चीज़ नहीं है, वो सही काम नहीं हो रहा है, ठीक। पी पॉइंट कह रहा है लेकिन कोई ऐसा फर्म एविडेंस नहीं है कि बहुत वैल्यूएबल चीज़ें, बहुत काम की, बहुत महंगी चीज़ें वहाँ से मिल जाएं और अर्थ तक वो लाई जा सकें। ये बात एकदम से यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि दोनों बातों का कोई कनेक्ट नहीं बन रहा है। पॉइंट वन और पी कनेक्ट बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए पी से शुरुआत वाले ऑप्शन को हम काट देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बेटा यहाँ से बाहर। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट क्यों कह रहा है। वर्स्ट, Nobody has any idea what undesirable microbes or poisonous materials we will be importing from Mars. अब देखो यहाँ पे क्यू वाला ऑप्शन कह रहा है, क्यू वाला पॉइंट कह रहा है कि हम जो माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे या फिर जो पॉइजनस मटीरियल होंगे वो जो हम मार्स से लेके आएंगे वो बहुत बुरा होगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन पॉइंट वन कह रहा है कि बहुत सारा पैसा जो हम खर्च कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो पैसा खर्च करने वाली बात को अगर हम दूसरी चीज़ से रिलेट कर रहे हैं तो ये चीज़ सही नहीं निकल पा रही है। अगर पैसा खर्च करने वाली बात को ही आगे बढ़ाने वाला कोई पॉइंट निकलेगा तो हम उसको प्रेफर करेंगे। समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात। थर्ड पॉइंट एलिमिनेट हो चुका है। क्यू वाले में क्या हो रहा है, पैसे वाली बात को पॉइंट वन कह रहा था लेकिन क्यू ने पैसे वाली बात को नहीं की, इसलिए थोड़ा सही कम है। अभी देखते हैं, क्या पता यही कनेक्ट हो जाए। आर वाले से शुरुआत नहीं कर सकते हैं, हमने शुरुआत नहीं बता दिया था क्योंकि आर वाला कोई ऑप्शन है ही नहीं। एस देखते हैं, एस कह रहा है दीज एंथुसियास्ट्स आर्ग्यू दैट मार्स कुड बी अ पेरिनियल सोर्स ऑफ मटेरियल्स फॉर अस अर्थलिंग्स। अभी एंथुसियास्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है और यहाँ पे यूज़ हुआ था एडवोकेट्स। एक्चुअली ऐसे लोग जो किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, किसी चीज़ के बारे में अपने ओपिनियंस को देते हैं, उनको एडवोकेट्स या एंथुसियास्ट्स हम कह सकते हैं। तो एंथुसियास्ट और एडवोकेट्स दोनों सेम इंसान के लिए यूज़ हुए हैं, ठीक है, सेम कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए यूज़ हुए हैं। तो इस हिसाब से दीज एंथुसियास्ट आर्ग्यू दैट मार्स कुड बी अ पेरिनियल सोर्स ऑफ मटेरियल फॉर अस अर्थलिंग्स। अब देखो ये कह रहा है कि जो मार्स है वो क्या होगा, पेरिनियल सोर्स ऑफ मटेरियल हो सकता है हम लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे बात हुई थी कि बहुत सारा पैसा यहाँ पे खर्च नहीं कर सकते हम, या बहुत सारा पैसा इसमें खर्च नहीं करना चाहिए। फिर एस पॉइंट कह रहा है ये लोग, फिर जो एडवोकेट्स हैं वो फिर कह रहे हैं कि मार्स क्या है, हमारे लिए बहुत सारे ऐसे चीज़ों का सोर्स हो सकता है जो बहुत महंगी हों, बहुत ज़्यादा कीमती हों। फिर पॉइंट पी कह रहा है लेकिन क्या ऐसा कुछ एविडेंस है कि वहाँ पे जो चीज़ें पाई गई हैं उसको आप अर्थ तक ट्रांसपोर्ट करके वापस ला सकते हो, इस चीज़ का कोई भी अभी तक एविडेंस नहीं मिल पाया है। तो आप दोनों बातों को साथ में पढ़िए, एस वाला पॉइंट और अगर आप पी वाला पॉइंट साथ में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों पॉइंट्स एक ही बात को कर रहे हैं और कनेक्टेड हैं बिल्कुल साथ में। तो पहले वाले पॉइंट से जब शुरुआत होगी तो बात होगी पैसे को लेके कि पैसा फालतू में इतना खर्च किया जा रहा है। फिर एस वाला पॉइंट कह रहा है कि ये लोग कहते हैं कि बहुत सारा वहाँ पे सोर्स तो होगा, बहुत सारी चीज़ें तो होंगी, लेकिन पॉइंट पी कहता है लेकिन बहुत सारी चीज़ें होने के बाद भी क्या आप अर्थ पे उन चीज़ों को ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे। इसीलिए पॉइंट फर्स्ट बोला गया है कि इतना पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरुआत होगी पॉइंट वन से, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेगा पॉइंट एस, फिर कंटिन्यू करेगा पॉइंट पी, उसके बाद में चीज़ें आगे हो पाएंगी। तो एस के साथ में पी जिसमें आ रहा होगा शुरुआत में, वही वाला पॉइंट सिर्फ हमारा आंसर हो सकता है। इस लिहाजे से पॉइंट नंबर वन हो जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर। जिसको भी इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है या प्रॉब्लम किसी भी तरह की कॉन्सेप्ट में आ रही है वो मुझे कॉमेंट्स में बताएंगे और मैं उनको ज़रूर सॉर्ट आउट करूँगा, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर होती जा रही होंगी। जितनी भी बातें बता रहा हूँ उनको अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं तो चीज़ें एग्जैक्टली क्लियर होती जा रही होंगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इस स्लाइड का। व्हेन अ लाइट पैसेंजर प्लेन फ्लू ऑफ कोर्स सम टाइम अगो, इट क्रैश इन द माउंटेन्स एंड इट्स पायलट वॉज किल्ड। एक पैसेंजर प्लेन जो एक कुछ टाइम पहले उड़ा था वो क्रैश हो गया पहाड़ों में और उसका पायलट मर गया, ठीक है। ये इस बात से इस चीज़ की शुरुआत हो रही है। अब देखिए आगे क्या हो सकता है। कह रहा है स्नोई ले थिक ऑन द ग्राउंड, स्नो ले थिक ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पे बहुत सारी बर्फ पड़ी थी। ये पॉइंट रिलेट नहीं किया जा सकता यहाँ से, ठीक है। क्यों कह रहा है, इट वॉज द मिडल ऑफ द विंटर, मे बी इस टाइम को बताया जा रहा हो
कि कब ये प्लेन क्रैश हुआ, कब वहाँ पे पायलट मरा, मे बी क्यू से शुरुआत हो रही हो। आर कह रहा द वुमेन न्यू दैट द नियरेस्ट विलेज वॉज माइल्स अवे। अब देखो ये पॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि अभी तक हमने कहीं पे भी किसी औरत की बात शुरू ही नहीं की है, ठीक है। तो औरत को पता था कि पास वाला गांव बहुत कुछ मील दूर ही है, ऐसी कोई नई बात हम एकदम से शुरू नहीं करेंगे, तो आर से भी शुरुआत नहीं हो पाएगी। देखो पी वाला पॉइंट कट गया, पी से शुरुआत नहीं हो सकती बेटा, आर से शुरुआत नहीं हो सकती है, फोर्थ वाला पॉइंट कट जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एकदम से हम वुमेन को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो इस लिहाजे से पॉइंट पी और पॉइंट वन और पॉइंट फोर्थ कट चुके हैं, ठीक है, पॉइंट वन और फोर्थ कट चुके हैं। अब आगे देखते हैं, पॉइंट एस से शुरू हो सकता है या फिर पॉइंट क्यू से शुरू हो सकता है। एस देखते हैं क्या है, द ओनली पैसेंजर्स अ यंग वुमेन एंड हर टू बेबी डॉटर्स वर अनहर्ट। अब देखो कह रहा है, यहाँ देखो बात हो रही है कि जो प्लेन है वो माउंटेन्स में क्रैश हो गया और पायलट उसका मर गया, ठीक। फिर कह रहा है द ओनली पैसेंजर्स अ यंग वुमेन एंड हर टू बेबी डॉटर्स वर अनहर्ट। और सिर्फ ऐसे पैसेंजर्स जो जिनको कुछ नहीं हुआ था वो कौन थे? सिर्फ एक वुमेन थी, एक यंग वुमेन थी और उसकी दो छोटी छोटी बेटियाँ थीं। ये वो दो लोग थे जो अनहर्ट थे बिल्कुल, मतलब इनको कुछ भी नहीं हुआ था। तो देखो यहाँ पे कह रहा है पायलट मर गया था, यानी कि पायलट के ख़त्म होने की बात हो रही है, यानी कि सर्वाइवल की बात हो रही है, कितने लोग बचे थे या कितने लोग मर गए थे। इस हिसाब से जो आगे वाली लाइन कंटिन्यू होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए ना कि पैसेंजर्स का क्या हुआ, पैसेंजर्स में कौन बचा या फिर कौन मर गया। तो इस हिसाब से एस वाला पॉइंट ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। अगर हम क्यू देखें तो ये बता रहा है इट वॉज द मिडल ऑफ विंटर। अब देखो अगर हम दोनों पॉइंट्स में यही बताने का ट्राई करेंगे, देखो शुरुआत हो रही है ये बताने से कि पायलट की जान चली गई थी, पायलट मर गया था। अगर हम इसी तरह का पॉइंट अगर आगे कंटिन्यू करते हैं कि पैसेंजर्स में भी कुछ लोग नहीं बचे थे, सिर्फ एक औरत बची थी और उसकी दो बच्चियां बची थी, तो ये चीज़ ज़्यादा रिलेवेंट लग रही है कंपेयर टू कि हम टाइम बताएं कि वो कब था, मतलब वो ये इंसिडेंट कब हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, तो अगर हम इस पहले पॉइंट को शुरू करते हैं एस वाले पॉइंट से तो ये ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ों को बता पा रहा है, ज़्यादा अच्छी तरीके से हमें समझा पा रहा है अपनी बात को। तो एस से शुरुआत करेंगे, उसके बाद में क्यू आ जाएगा कि ये जो एक्सीडेंट हुआ था और कोई नहीं बचा था, सिर्फ एक औरत बची थी, उसकी दो बेटियाँ बची थी, ये कब हुआ था? ये हुआ था मिडल ऑफ विंटर में, ठीक है। उसके बाद में फिर पी आ जाएगा, स्नो ले थिक ऑन द ग्राउंड, बहुत मोटी सी बर्फ पूरी ज़मीन पर पड़ी हुई थी, ठीक है। और फिर आर वाला पॉइंट आ जाएगा कि और जो वुमेन बची हुई थी, जो औरत बची हुई थी, उसको पता था कि जो गांव है वो, जो यहाँ पे सबसे पास का गांव है वो कुछ ही मील दूरी पर है, ठीक है। सो आज के लिए इतने क्वेश्चंस ही, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्लियर है। तो आई होप आपने भी ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा मेरे साथ में और आंसर्स आपके आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है, जिस हिसाब से चीज़ों को बताया उस हिसाब से चीज़ों को पढ़ते चलिए, समझते चलिए और डेफिनेटली आपको एक दो क्लासेस के बाद में बहुत सारे आंसर्स आपके सही आने लगेंगे, ठीक है। सो इस सेशन में आपको जो भी प्रॉब्लम्स लगी हों, जो भी आपको चीज़ें समझ ना आ पाई हों, ट्राई करिएगा वीडियो को दोबारा देखने का। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं हर कमेंट्स के आंसर ज़रूर करूँगा, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको सॉल्व जरूर करूँगा। सो फिर से मिलते हैं कल इसी टाइम पे शार्प 5 बजे, ठीक है। और सुबह 9:30 बजे सेशन होता है, उसको भी मिस बिल्कुल मत करिएगा। 9:30 बजे हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट की क्लासेस कर रहे हैं, उन क्लासेस को भी ज़रूर देखिएगा और आंसर्स को ज़रूर करिएगा, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, टेलीग्राम पे योर क्लासेस के टेलीग्राम पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, फ्री में आप डाउनलोड करिए और अच्छी तरह से चीज़ों को प्रैक्टिस करिए। चलिए, थैंक यू।